प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक श्यामपुर नामक जंगल की है। अभी बारिशों का मौसम चल रहा था, इसीलिए जंगल में जोरदार बारिश हो रही थी। उस जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवे का घर बहुत ही ज्यादा पुराना और कमजोर था, और बारिशें इतनी ज्यादा तेज हो रही थी कि किसी भी वक्त कालू कौवे का घर गिरकर टूट सकता था। लेकिन वे कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा आलसी था। वे बिल्कुल भी मेहनत ना करके अपने घर को मजबूत नहीं कर रहा था। फिर एक दिन कालू कौवा अपने घर में बैठा सोच रहा था, और बहुत ही ज्यादा दिन हो गए हैं, जंगल के किसी भी पक्षी ने जंगल के सारे पक्षियों की दावत नहीं करी है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने घर पे सभी पक्षियों की दावत रखता हूँ। सब पक्षी यहाँ पर आएंगे तो बहुत मजा आएगा। फिर वे कालू कौवा जंगल में सभी पक्षियों को दावत का न्योता देने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को एक जगह पर सारे पक्षी दिखते हैं, तो कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। अरे पक्षियों, क्या हो रहा है भाई? तुम सारे पक्षी मिलकर बारिश का मजा ले रहे हो, तो अच्छा है अच्छा है। वैसे मैं यहाँ पर एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ तुम सबसे। मैंने कल अपने घर में तुम सब पक्षियों की दावत की है, तुम सब पक्षी कल मेरे घर में आ जाना। अरे नहीं बाबा, नहीं, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। तुम्हारा घर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, बारिशें देखो कितनी ज्यादा तेज हो रही हैं। अगर हम घर में हुए और तुम्हारा घर टूट कर कहीं गिर गया तो हमारी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हाँ हाँ, मिट्ठू तोता ठीक कह रहा है। नहीं नहीं कालू कौवे, हम तुम्हारे घर पर नहीं आएंगे, हमें अपनी जान प्यारी है। अगर तुम्हें हम सब पक्षियों को दावत पर बुलाना है तो पहले तुम अपने घर को मजबूत कर लो। और एक तो मैं तुम सब पक्षियों को दावत पर बुला रहा हूँ और तुम लोगों के नखरे ही नहीं मिल रहे हैं। अब तो मैं तुम में से किसी को भी दावत पर नहीं बुलाऊंगा, और ना ही मैं अपना घर मजबूत करूंगा। हाँ हाँ, वो तो हमें पता ही है, तुम बहुत ज्यादा आलसी हो, तुम कभी भी मेहनत करके अपना घर मजबूत नहीं करोगे। और जाओ जाओ, पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों तुम लोगों को दावत का न्योता देने के लिए आ गया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ऐसा कहकर कालू कौवा दोबारा से अपने घर की तरफ चल देता है। अब अगले दिन उस जंगल में रहने वाली मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी सोच रही होती है। एरी, वैसे वो कालू कौवा ठीक ही कह रहा था, काफी दिन हो गए जंगल के सभी पक्षियों ने मिलकर खाना नहीं खाया है। वैसे भी वे सब पक्षी तो कालू कौवे के घर पे जा ही नहीं रहे है। चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं सभी पक्षियों की दावत अपने घर पर रख लेती हूँ, लेकिन मेरा घर भी दिखने में थोड़ा कमजोर है। मैं अपने घर को मजबूत कर लेती हूँ और सभी पक्षियों को जाकर दावत का न्योता दे देती हूँ। फिर क्या था, मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के पास आकर बैठ जाती है और उनसे कहने लगती है, अरे पक्षियों, कल मैंने अपने घर में आप सबकी दावत रखी है, तो आप सब मेरे घर पर जरूर आना। मेरा घर भी थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए मैं आप सबके आने से पहले अपने घर को थोड़ा और मजबूत कर लूंगी। सभी पक्षियों को दावत का न्योता देने के बाद मीनू चिड़िया अब कालू कौवे के पास आती है। अरे कालू कौवे भैया, आप यही चाहते थे ना कि सब पक्षी एक साथ मिलकर एक वक्त का खाना खाएं? तो कल मैंने अपने घर पर दावत रखी है सभी पक्षियों की, तो इसीलिए मैं आपको भी न्योता देने आई हूँ। आप भी कल मेरे घर पर जरूर आइएगा, मेरा घर भी थोड़ा सा कमजोर है, मैं सभी पक्षियों के आने से पहले अपने घर को मजबूत कर लूंगी। बस फिर क्या था, इतना कहकर मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ वे कालू कौवा अब बहुत ज्यादा जलने लगता है। और ये सब पक्षी मेरे घर पर तो दावत में आए ही नहीं, और अब इस मीनू चिड़िया के घर पर दावत में जा रहे हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मीनू चिड़िया के घर पर भी किसी पक्षी को दावत में नहीं जाने दूंगा। मैं मीनू चिड़िया को उसका घर और मजबूत करने ही नहीं दूंगा, ना उसका घर मजबूत होगा ना ही पक्षी उसके घर में जाएंगे। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया को अपने घर पर बढ़िया रंग करना था, इसीलिए मीनू चिड़िया बाजार से रंग ले आई थी। बस अब मीनू चिड़िया को बारिश के रुकने का इंतजार था, ताकि मीनू चिड़िया बारिश के रुकते ही अपने घर पर रंग कर दे। फिर मीनू चिड़िया उस रंग के डब्बे को अपने घर के बाहर रखकर अपने घर के अंदर किसी काम के लिए जाती है। बस फिर क्या था, पीछे से वे कालू कौवा आकर उस मीनू चिड़िया के रंग में पानी मिला देता है। फिर थोड़ी ही देर के बाद जब बारिश रुक जाती है,
तो मीनू चिड़िया रंग करने के लिए अपने घर के बाहर आ जाती है। फिर मीनू चिड़िया अपने घर पर रंग करने लगती है तो उसका रंग तो खराब हो चुका था क्योंकि कालू कौवे ने उसमें पानी मिला दिया था। अरे ये क्या हो गया, इस रंग के डब्बे में पानी कहाँ से चला गया? ये तो सारा रंग खराब हो गया है। अब मैं अपने घर पर रंग कैसे करूँगी? अगर मैंने रंग करके इस घर को मजबूत नहीं किया तो कल पक्षी मेरे घर पर दावत में नहीं आएंगे। कालू कौवे को रंग में पानी मिलाते हुए आसमान में एक बादल के टुकड़े ने देख लिया था। और ये कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा चालाक और होशियार है। इसने इस बेचारी मीनू चिड़िया के साथ कितना गलत किया है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब देखो मैं इसे अच्छा मजा चखाता हूँ। फिर क्या था, वे बादल का टुकड़ा कालू कौवे के घर के ऊपर आ जाता है और उस घर पर जोर जोर से बारिश करने लगता है। कालू कौवे का घर बहुत ही ज्यादा कमजोर था, इसीलिए कालू कौवे का घर टूट जाता है और वे कालू कौवा भी उसी घर के अंदर दब जाता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया सोच रही होती है, अरे अभी बारिश रुकी हुई है, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाकर दूसरा रंग ले आती हूँ, कहीं दोबारा बारिश हो गई तो फिर मैं रंग भी नहीं कर पाऊंगी अपने घर पर। फिर क्या था, मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई रंग लेने चली जाती है। कुछ देर के बाद मीनू चिड़िया रंग लेकर आती है और अपने पूरे घर पर रंग कर देती है। बस फिर क्या था, अगले दिन सभी पक्षी मीनू चिड़िया के घर पर दावत में आ जाते हैं। सभी पक्षी अच्छे से मिलजुल कर दाना खाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें गलत कामों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, पक्षियाबाद नामक एक जंगल में काफी सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल में काफी दिनों से जोर शोर की बारिशें चल रही थी, जिसके कारण सभी पक्षी अपने फलों के बने घरों में रहते थे। सब पक्षी बड़े बड़े फलों को अंदर से खोखला करके उसमें अपना घर बनाकर रह रहे थे। उस जंगल में रहने वाला कालू कौवा बहुत ही ज्यादा आलसी था, लेकिन इस बार उसने भी अपना सेब का बहुत ही अच्छा सा घर बनाया हुआ था। इस बार बहुत ही ज्यादा मेहनत करके उस कालू कौवे ने अपना वे घर बनाया था, लेकिन फिर भी अभी कालू कौवे के अंदर से वे आलसीपन बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। उसको बारिश में दाना जमा करने जाने के लिए बहुत ज्यादा आलस आता था, इसीलिए वे दाना जमा करने नहीं जाया करता था। लेकिन कालू कौवा भी क्या कर सकता था, पापी पेट का जो सवाल था, जब उसे भूख लगती तो वो अपना दाना जमा करने के लिए चला ही जाता था। कालू कौवा अपने घर में राजू कौवे और मोती कौवे के साथ रहता था। अरे रे, कितने दिन से ये बारिश हो रही है, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इस बारिश की वजह से मैंने कितनी मेहनत करके ये मजबूत घर बनाया है। मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में इतनी मेहनत कभी भी नहीं करी है। इस बारिश की वजह से मैंने इतनी मेहनत से ये घर बनाया है, लेकिन अगर ये बारिश रुक जाती तो थोड़ा दाना जमा करने में आसानी हो जाती। कितनी मेहनत लगती है इस बारिश में दाना जमा करने में, ना जाने सब पक्षी किस तरह से दाना जमा करते हैं इतनी बारिश में। मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होती है, अभी अभी दाना जमा करके वापस आया हूँ, अब तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ। चलो मैं काम करता हूँ, मैं जाकर सो जाता हूँ। अब वैसे तो जंगल में सब कुछ ही ठीक ठाक चल रहा था, सब पक्षी अपने अपने घरों में बहुत ही ज्यादा आराम से रह रहे थे। लेकिन उस जंगल के बाहर दो खूनखार सी चीलें रहती थीं। उन चीलों के पास रहने तक की कोई जगह न थी, क्योंकि वे दोनों चीलें बहुत ही ज्यादा आलसी थीं। वे चीलें काफी दिनों से बारिश में ही भीग रही थीं, क्योंकि उन्होंने अपने आलसीपन की वजह से कोई भी ऐसी जगह नहीं ढूंढी थी जहाँ के वे आराम से रह सकें। आज वो चील देख रही हो, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितनी ठंड बढ़ गई है इस बारिश की वजह से, अब हम क्या करें, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ बाजो जी, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने खुद ही मेहनत नहीं करी तो आज हमारे पास कोई रहने की जगह नहीं है। अगर हम थोड़ी मेहनत करके कोई जगह ढूंढ लेते तो आज हमारे पास अच्छी रहने की जगह होती। अरे अब वो गलती हमसे हो गई है, अब तुम ये बताओ कि आगे क्या करना है, इतनी तेज बारिश में अब मुझसे और ज्यादा भीगा नहीं जा रहा है। और तो और, सभी पक्षियों ने अपने अपने फलों के घरों में अपने छोटे बच्चों को संभाल कर रखा हुआ है, इसीलिए हमने कितने दिनों से भोजन भी नहीं किया है।
अब हमारे पास ना रहने की जगह है और ना ही हमारे पास खाने के लिए भोजन है। अब तुम ही बताओ हम इसमें क्या करें, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या हो गई है। अरे आजू चील, इसमें मैं तुम्हें क्या बता सकती हूँ, मेरा तो खाली पेट दिमाग ही नहीं चलता है। मैंने भी कितने दिनों से भोजन नहीं किया है, मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अब हम क्या करेंगे। मुझे तो लगता है कि अब हम सारी ज़िंदगी इस बारिश में भीगेंगे, क्योंकि ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। बस अब बहुत हुआ, इसके बारे में हमें अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। उन दोनों चीलों की यही सब बातें वे कालू कौवा उड़ता हुआ सुन लेता है। और देखो तो इन दोनों चीलों को बारिश से पहले मेहनत करके अपने लिए जगह ढूंढी नहीं है, और अब देखो योजना बना रही हैं कि आगे इनको क्या करना है। वैसे हाँ, ये लोग एक तरह से ठीक कह रही हैं, मेहनत तो मुझसे भी नहीं होती है, ये मेहनत करना कोई आसान काम नहीं है। ना जाने मैंने कितनी मेहनत से अपना घर बनाया था, और आज भी मैं इतनी तेज बारिश में अपना दाना जमा करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वैसे मैं भी इस रोजाना के दाना जमा करने से बहुत ही ज्यादा तंग आ गया हूँ, मुझे भी इसका कुछ ना कुछ उपाय तो सोचना ही पड़ेगा। वैसे ये चीलें मेरे काम आ सकती हैं, ये लोग इस बारिश से बहुत ही ज्यादा परेशान आई हुई हैं। मैं इनको जाकर कहता हूँ कि ये दोनों जंगल के पक्षियों को डराकर उनसे एक एक घर छीन लें और उसमें ही रहने लग जाएं और उनके बच्चों को भी खा लें। और ये बात बताने के बदले में मैं उनसे काफ़ी सारा दाना मांगूंगा, अगर वे लोग मुझे दाना लाकर दे देंगे तो इसमें तो मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हाँ, इस तरह उनका भी भला हो जाएगा और मेरा भी भला हो जाएगा, मेरे पास काफ़ी सारा दाना जमा हो जाएगा और उनके पास रहने की जगह भी आ जाएगी। यही सोचकर वे कालू कौवा उन दोनों चीलों के पास आकर बैठ जाता है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्यों आए हो, बताओ तुम्हें हमसे क्या काम है। मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा मतलबी हो, तुम अपने मतलब से ही मिलते हो। अरे नहीं नहीं चील, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे भले के लिए ही आया हूँ। मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली है, तुम्हें बारिश में बहुत ही ज्यादा मसला हो रहा है ना। हाँ कानू कौवे, सच में हमें इस बारिश में बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा है, यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है। हाँ तो बस मेरे पास इस बारिश से बचने के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा उपाय है। अच्छा कानू कौवे, तो फिर बताओ क्या उपाय है तुम्हारे पास। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बताऊंगा मैं, पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं रोजाना इस बारिश में दाना जमा कर करके बहुत ही ज्यादा तंग आ गया हूँ, तुम लोग मेरे लिए काफी सारा दाना जमा करके ले आओ, फिर मैं तुम्हें वह बात बता दूंगा और उसमें तुम्हारा जरूर फायदा होगा। लेकिन अगर हमारा फायदा ना हुआ तो, तुमने हमें धोखा दे दिया तो। अरे अगर मैंने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम लोग कितने शक्तिशाली हो, मुझे मार कर खा जाना तुम दोनों। अच्छा तो फिर ठीक है, हम अभी तुम्हारे लिए सारा दाना लेकर आ जाते हैं। फिर काफी देर के बाद वे दोनों चीलें कालू कौवे के घर पर काफी सारा दाना लेकर आ जाती हैं। देखो कालू कौवे, अब हम दाना लेकर आ गए हैं, अब तुम हमें बताओ कि तुम्हारे पास क्या उपाय हैं। हाँ हाँ मैं बताता हूँ, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो, तुम दोनों जंगल के पक्षियों को डराकर उनसे दो घर छीन लो और उस घर में ही रहने लगना। और हाँ, घर के साथ साथ तुम्हें उनके बच्चे खाने को भी मिल जाएंगे। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर वे दोनों चीलें मिट्टू तोते और एक बुलबुल के घर में कब्जा कर लेती हैं और उनके बच्चों को भी खा जाती हैं। अब वे चीलें पक्षियों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा बन गई थी, वे रोजाना ही पक्षियों के बच्चों को खाया करती थी। अरे ये चील तो धीरे धीरे सभी पक्षियों को खाती ही जा रही है, अब तो सिर्फ कबूतर का भी एक ही बच्चा बचा है, उसके बाद तो सिर्फ मेरे ये दोनों बच्चे बचेंगे। मुझे पता है अगर मैंने कुछ करके इन चीलों को नहीं रोका तो ये मेरे लिए भी खतरा बन जाएंगी। मैंने देखा था इन चीलों को वे कालू कौवा ही लाया था,
उन चीलों ने उस कालू कौवे को दाने दे दिए और उस कालू कौवे ने उन्हें ये काम करने को कहा है। लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे हाँ, मैं एक काम करती हूँ। मैं मिट्टी से कालू कौवे के बच्चों की तरह दिखने वाले पुतले बनाती हूँ। फिर मैं उन मिट्टी के पुतलों को एक गुफा के अंदर जाकर रख दूंगी और मैं उन चीलों को कहूंगी कि उस गुफा के अंदर दो बच्चे हैं, तुम उन्हें जाकर खा लो। और मैं कालू कौवे से भी कहूंगी कि तुम्हारे दोनों बच्चे उस गुफा के अंदर हैं और उस गुफा में वो चीले भी तुम्हारे बच्चे को खाने गई हैं। फिर जैसे ही वे कालू कौवा और वे चीले उस गुफा में जाएंगी, मैं कबूतर के साथ मिलकर उस गुफा को बंद कर दूंगी। फिर मीनू चिड़िया, राजू कौवे और मोती कौवे के जैसे दिखने वाले दो पुतलों को एक गुफा के अंदर रख देती है और मीनू चिड़िया उन चीलों के पास जाकर कहती है, तेरी चीलों, मुझे पता है तुम दोनों बहुत ही भूखे हो, तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना। मैंने अभी देखा है वो सामने वाली गुफा के अंदर दो छोटे छोटे पक्षी के बच्चे हैं, तुम उन्हें जाकर खा लो। अच्छा, ऐसी बात है तो हम अभी वहाँ पर जाते हैं। कालू कौवा एक पेड़ पर बैठा बारिश के मजे लूट रहा था, तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया आकर बैठ जाती है। एरी कालू कौवे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे दोनों बच्चे उस गुफा के अंदर हैं और वहाँ पर वे चीले भी तुम्हारे बच्चों को खाने गई हैं। जाओ उन्हें जाकर बचाओ। और मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अभी जाता हूँ उस गुफा के अंदर। फिर वे चीले और कालू कौवा जैसे ही उस गुफा के अंदर जाते हैं तो कबूतर और मीनू चिड़िया वे दोनों मिलकर उस गुफा को बंद कर देते हैं। गुफा के अंदर वे चीले उन दोनों पक्षियों के पुतलों को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। अरे, ये पक्षियों ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये सब इस कालू कौवे की वजह से ही हुआ है ना। ये कालू कौवा हमें इन पक्षियों के पास लाता और ना हम इस गुफा के अंदर कैद हो जाते हैं। अब हम इस कालू कौवे को नहीं छोड़ेंगे, चलो हम इस कालू कौवे को ही खा जाते हैं। फिर वे दोनों चीले कालू कौवे को मारकर खा जाती हैं। अब जंगल में दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है, सब पक्षी आराम से अपने घरों में रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें गलत कामों से दूर ही रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी एक शीशापुर नामक जंगल की है, जिस जंगल में एक बहुत ही आलसी और कामचोर सा कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही ज्यादा कामचोर था। कालू कौवा बिल्कुल भी काम धंधा नहीं करता था, यहाँ तक कि वे दाना जमा करने के लिए भी जंगल में नहीं जाता था। बस इसी बात पर रोजाना कालू कौवे की उसकी पत्नी प्रिया कौवी से लड़ाई झगड़े लगे रहते थे। अरे कालू, जाओ बाहर कोई काम धंधा करो, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, सारा दिन यहीं घर में पड़े रहते हो। अरे नहीं भाई नहीं, मैं क्यों जाऊँ भला, ये सब मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम तो बस खाना है और आराम करना है, मैं तो कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि आज तुम दाना जमा करके कैसे नहीं लाते हो। आज तो कुछ भी हो जाए तुम ही दाना जमा करके लाओगी, वरना इस घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अगर मैं काम ना करूँ तो इस घर में तो आगे कुछ होता ही नहीं है। ऐसा कहकर कालू कौवा जंगल में दाने की तलाश के लिए निकल जाता है। कालू कौवा पूरे ही जंगल में जगह जगह इधर उधर भटक रहा होता है, तभी अचानक कालू कौवे को एक जगह पर गंदम दिखता है। अरे वाह वाह वाह, कितनी बढ़िया गंदम की फसल लगी हुई है यहाँ पर, अब तो मैं रोजाना यहाँ से ही गंदम लेकर जाऊंगा। लेकिन जरूर इस फसल का मालिक इसके आस पास ही बैठा होगा, मुझे छुप कर यहाँ से चोरी करनी पड़ेगी। फिर क्या था, वे कालू कौवा वहाँ से छुपते छुपाते गंदम चोरी कर लेता है और वे गंदम लेकर दोबारा अपने घर में आ जाता है और फिर वे लोग उस गंदम को आराम से खाते हैं। अब ऐसे ही रोजाना कालू कौवा वहाँ से ही गंदम की चोरी किया करता था और उस गंदम को लाकर अपने घर में खाया करता था। उस गंदम की फसल का मालिक एक सांप था। वह सांप बहुत ही ज्यादा भूखा और खूनखोर था। उसे पता लग गया था कि उसकी फसल धीरे धीरे कम हो रही है, जरूर उसकी फसल कोई ना कोई चुरा रहा है। इसीलिए वे सांप आज अपनी फसल पर कड़ी निगरानी कर रहा था। तभी जब वे कालू कौवा वे फसल चुराने आता है तो वे सांप उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे वाह रे कालू कौवे, तू तो बहुत ही होशियार निकला,
ना जाने तू कितने दिनों से मेरी फसल चुरा रहा था, लेकिन आज तो मैंने तुझे पकड़ लिया है। ये मेरे रहने की जगह है, इस फसल के अंदर मैं छुप कर रहता हूँ और तू इस फसल को खत्म किए जा रहा है। अगर तूने दोबारा यहाँ से फसल चुराई तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन हाँ तुझे ये फसल मिल भी सकती है, उसके बदले में तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। मुझे रोजाना खाने के लिए चिड़िया का एक अंडा चाहिए, अगर वे अंडा मुझे मिलेगा तो मैं तुझे बदले में फसल दे दूंगा। अब अगर कल तेरे पास अंडा हो तो फसल लेने आ जाना, बगैर अंडे के अगर तू यहाँ आया तो मैं तुझे मार डालूंगा। फिर क्या था, अब वे कालू कौवा वहाँ से जंगल में चिड़िया के अंडों की तलाश में निकल जाता है। उस जंगल में बड़े से दरख्त पर एक घोंसले में मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया ने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने घोंसले में काफी ज्यादा अंडे दिए थे। मीनू चिड़िया रोजाना अपना लकड़ी का मजबूत घर बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां तलाश करने के लिए जाती थी। दूसरी तरफ कालू कौवा पूरे जंगल में जगह जगह पर चिड़िया के अंडे तलाश कर रहा था। तभी रास्ते में उसे मीनू चिड़िया का घोंसला दिखता है जिसमें काफी सारे अंडे होते हैं। कालू कौवा झट से वहां पर आकर बैठ जाता है और वहां से एक अंडा चुरा लेता है। फिर अगले दिन वे कालू कौवा उस अंडे को लेकर सांप के पास जाता है और बदले में सांप से गंदुम ले लेता है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया अपने एक अंडे को गायब होता देखकर बहुत ज्यादा चिंतित होती है। इसी तरह रोजाना जब मीनू चिड़िया लकड़ियां जमा करने के लिए बाहर जाती और वापस आकर देखती तो उसका एक अंडा गायब होता था। बस इसी कारण से मीनू चिड़िया अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने सोचा कि अब वे छुपकर अपने घोंसले पर नजर रखेगी। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया एक दरख्त के अंदर छुपकर अपने घोंसले पर नजर रखी होती है। तभी थोड़ी देर में वहां पर कालू कौवा आता है और उसका एक अंडा चुरा लेता है। फिर वे कालू कौवा उस अंडे को लेकर सांप के पास पहुंच जाता है। मीनू चिड़िया भी उसके पीछे पीछे ही छुपकर सांप के पास पहुंचती है। अब मीनू चिड़िया सारा माजरा समझ जाती है। फिर मीनू चिड़िया एक योजना बनाती है। फिर अगले दिन मीनू चिड़िया बाज का एक अंडा चुराती है और उसे अपने घोंसले में रख देती है। फिर जैसे ही कालू कौवा वे बाज के अंडे को मीनू चिड़िया का अंडा समझकर सांप के पास ले आता है, वैसे ही मीनू चिड़िया उस बाज को लेकर सांप के पास आ जाती है। अरे बाज भैया, यही है वो कालू कौवा, इसने ही आपका अंडा चुराया था और यही सांप को दे रहा है, आप इन दोनों को मार दीजिए। ये कालू कौवा आपके अंडे को इस सांप को दे रहा था और ये सांप इस अंडे के बदले में उसे ये गंदुम दिया करता था, आप इन दोनों को मार दीजिए। फिर क्या था, ये सब सुनकर वे बाज बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वे उन दोनों को मार डालता है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं बुरे काम का बुरा ही नतीजा निकलता है।